पर्वत को सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया, नख पर। कितने दिन के हैं? 7 वर्ष 52 दिन के। अब पानी की बूंद भी नहीं है, शांति बनाए रखो माताओं, बात नहीं बुजुर्गों, ध्यान देना। ये जो पानी बरसा है, ये पानी गया कहां? ये पानी कहां गया? पहली बात तो ये है कि गोवर्धन पर्वत इतना गर्म है, अगर बूंद आते आते वहां जब पहुंचती है तो पता ही नहीं चलता कि कहां गई। धुआं बन के उड़ती है, लेकिन दूसरा प्रमाण जो है वो बिल्कुल सत्य है। त्रेता युग में जब माँ सीता को रावण ले गए थे, माँ वापस आई थी, तो मैया ने कहा कि मुझे ब्राह्मणों को और संतों को भोजन कराना है राम जी से। राम जी बोले कराइए। तो रोज संत आते भोजन करने के लिए, लेकिन कोई 2 रोटियां खाता, कोई 4 खाता, ऐसे ही चले जाते। अब सीता जी को ये लगा कि ये संत जी पेट भर के भोजन नहीं करते हैं, तो क्या करें? भगवान राम कहने लगे ऐसे नहीं मानेंगी। तो उन्होंने अगस्त ऋषि को बुलाया, बोले महाराज अपनी माया दिखाओ, ये तो ऐसे नहीं मानने वाली, ये भोजन करा के ही मानेंगी, तो आप बैठो और बैठ के भोजन करो। अगस्त ऋषि बैठ गए, भोजन करने लगे। 1 दिन है गए, 2 दिन है गए, 3 दिन है गए, 10 दिन है गए, मैया बराबर भोजन बनाए रही और अगस्त ऋषि बराबर भोजन करते जा रहे। तो अब थक गए, जब थक गए, माँ सीता राम जी के पास पहुंची, बोले प्रभु ये तो बंद ही नहीं हो रहे खाना। भगवान बोले आपने ही तो बोला था कि कोई पेट भर के भोजन करके नहीं जाता, तो अब खिलाओ। अब गणेश जी हलवाई बन के आए और रिद्धि सिद्धि साथ में है, वो भी भोजन बनाने के लिए। ससुराल में और ये 24 पुरा से भैया आए हुए हैं, उनके सुपुत्र अभी यादव, जो माला पढ़ कर रहे। भगवान से कामना करती हूँ सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, ये विलासा और आकांक्षा है। बोलिए कन्हैया लाल की। महाराज गणेश जी आए, रिद्धि सिद्धि आई, भोजन बनाने में लगी हैं, लेकिन 1 महीना है गो, अगस्त ऋषि ने थाली ना छोड़ी। अब भगवान मुस्कराए रहे, बोले और कराओ भोजन, तुम्हारो पेट ना भर रो। अब मैया भाग के पहुंची सीता जी और संत जी से बोली महाराज एक बात कहें। बोले हाँ कहो। बोले जब आधो भोजन हो जाते है तब पानी पियो जाते। अगस्त ऋषि बोले जब आधो हो जाए तो हम पानी पी लिए, जब आधो हो जाए तो हम पानी पी लेंगे। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए महाराज भोजन करते करते, बंद नहीं है, माँ थक गई। अब हाथ जोड़े राम जी ने और जवाब दिया कि अपनी माया समेटो, अब इनका पेट भर गया, ये जीवन में कभी किसी को निमंत्रण इतने ढंग से ना करेंगे। भोजन कराया, अब आई पानी की बारी। जब 2 महीना कोई भोजन कर सकते हैं, पानी कितना पिएगा? तो भगवान राम बोले कि हे प्रभु, अब भोजन की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन अब एक काम करो, आप पानी अभी न पिए, आगे जब
द्वापर आएगा तो द्वापर में मैं गोवर्धन का पूजन करवाऊंगा और क्रोध में आके जब इंद्र वर्षा करेगा तो आप पूरा पानी पी जाना। यहीं बैठे हैं अगस्त ऋषि जी पानी पीने के लिए, महाराज एक भी बूंद ब्रज पे नहीं आई। जब बूंद एक भी ब्रज पे नहीं है, समझ गए इंद्र की साक्षात ब्रह्म ने पूजन करवाया, चरणों पे गिरे, क्षमा याचना मांगी, बड़े प्रसन्न हैं। पूर्ण भक्तों को सात वदना दे करके भगवान सभी ग्वाल वालों को लेकर के पुनः वापस आते हैं ब्रज में। यहां बड़ी प्रसन्नता है, महाराज श्री सूत जी वर्णन करते हैं सौनकादिक ऋषियों। प्रसंग उठता है कि भगवान कन्हैया और राधा का बेटा कब कैसे और कहां पर हुआ है, लेकिन आपको बता दें भागवत में राधा का नाम नहीं आया। भागवत में राधा का नाम नहीं आया क्योंकि राधा श्री सुखदेव भगवान की इष्ट थी। जब ये रा कहते थे तो समाधि खिंचने लगती थी, जब ये धा कहते थे तो समाधि लग जाती, इसलिए राधा शब्द को भागवत से हटा दिया। यदुवंश दर्पण का प्रमाण है, भगवान कन्हैया से राधा 11 महीना 15 दिन बड़ी थी। जब तक प्रभु ने अवतार नहीं लिया था ब्रज में, जब तक प्रभु ने अवतार नहीं लिया था ब्रज में, तब तक राधा जी ने अपने नेत्र नहीं खोले थे। आज भी भले ही भगवान की पहली पटरानी श्री रुक्मणी जी हैं, लेकिन कभी भी लोगों ने ये नहीं कहा बोलिए रुक्मणी भगवान की जय। कभी सुना है? लोगों ने कभी ये नहीं कहा बोलिए रुक्मणी भगवान की। हमेशा लोग यही कहते हैं बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। एक दिन रुक्मणी भगवान से सवाल करती हैं कि हमें ये बताइए कन्हैया, राधा में ऐसी कौन सी बात है जो लोग राधा का नाम लेते हैं। रुक्मणी से भगवान बोले जाओ और जाए के देख के आओ राधा में ऐसी कौन सी चीज है। तो रुक्मणी जी राधा से मिलने के लिए चली। बुजुर्गो जब मिलने के लिए चली तो राधा गेरुआ वस्त्रों में बैठी हुई है, पूरा शरीर एक हीरे की तरह चमक रहा है, बड़ी सुंदर है राधा। लेकिन क्या देखा, राधा के पूरे शरीर में छाले पड़े हुए हैं। तो रुक्मणी जी से रहा नहीं गया, पूछ लिया कि हे बहना, तू दिखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन तेरे पूरे शरीर में छाले क्यों हैं? तो राधा जवाब देती है कि हे गुइया, कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया, कल तूने मेरे श्याम को गर्म दूध दे दिया और दूध पीने से उनके हृदय में छाले पड़ गए, मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ इसलिए मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गए। ये भक्ति और प्रेम होता है। यहां राधा जब कृष्ण को ढूंढती हुई
पहुंची हैं तो मैया यशोदा के पास में लेकर के कन्हैया जा पहुंची तो पूछी है यशोदा ने कि हे लाला ये कौन है। राधा बोली, राधा बोली वृषभान पिता जुबरसाने में रहते हैं और मैया को नाम कीर्ति है और मोय राधिका मैं कीर्ति की लाड़ो हूं। यशोदा बोली लाड़ो आप आज जाओ और मेरे कृष्ण के साथ में आती जाती रहना। विदा किया।